आलि जनाब एसके जोशी साहब का भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम किया जाता है। आलि जनाब शकील आमिर साहब एमएलए बोधन का भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आलि जनाब मोहतरम एके खान साहब एडवाइजर माइनॉरिटीज वेलफेयर अनीसुल गुरबा के बच्चों से तारुफ करा रहे हैं वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब का, और वजीर आला उन बच्चों को तोहफे पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब का खैर मकदम है, चीफ सेक्रेटरी साहब एसके जोशी साहब का खैर मकदम किया जाता है, माइनॉरिटीज के वजीर कोपुला ईश्वर साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद है, उनका भी खैर मकदम किया जाता है, वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चों को तोहफे पेश कर रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों एसएससी के इम्तिहानात में जबरदस्त नंबरात हासिल किए और इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। वजीर आला आप लोगों से मिलने के लिए खुद आ रहे हैं आपके पास, और वीआईपी एरिया में वजीर आला मिल रहे हैं, वहां के जो मेहमान हैं उन सब से फर्दन फर्दन उनकी मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। वजीर आला चंद मेहमानों से मिलने के बाद डायस पर तशरीफ ला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से और वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से अजीम व शान पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी वजीर आला की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है, और दो रोज कबल सारी रियासत में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन मसाजिद में भी दावत इफ्तार का सरकार की तरफ से एहतमाम किया गया था और गरीब खानदानों में भी तोहफे तकसीम किए गए थे। आली जनाब मोहतरम उस्मान नक्शबंदी साहब से वजीर आला मिलते हुए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। अब वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब आपसे मुखातिब होंगे। रियासत के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और कई और डिपार्टमेंट के वजीरात, एमपी हैदराबाद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमारे भाई जनाब असदुद्दीन साहब, मंच पर बैठे हुए बुजुर्ग भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले इस मुकद्दस और मुबारकों वाली माह रमजान का आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और ईद मुबारक भी पेश करता हूं। इस खुशी के मौके पर चंद बातें मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगा। 2014 में जैसा हमें तेलंगाना रियासत हासिल हुआ, कई मुश्किलात हमारे सामने थे,
सबसे बड़ी किल्लत बिजली सेक्टर में थे, बड़ा ही मुश्किल था। अल्लाह ताला के फजल से बिजली के मामले में हम लोग बिल्कुल कामयाब रहे। अब बिजली का कोई मुश्किल इस रियासत में नहीं है, और ये भी मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, हर शोबे हयात के लिए, हर किसी के लिए, देश में किसी रियासत में अगर 24 घंटे का क्वालिटी करंट सप्लाई होता है, सिर्फ तेलंगाना रियासत में होता है, हिंदुस्तान में किसी और कोने में नहीं होता। इसमें हमें को अल्लाह के फजल से इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी चीज, पीने का पानी का भी बड़ा किल्लत था। 5 साल पहले हम लोग जब मिशन भगीरथा का एकदम प्रोग्राम ले लिया था, वो भी मुकम्मल होने जा रहा है। 23,000 गांवों में, बस्तियों में, रियासत के हर घर में नल के साथ पीने का पानी दिया जा रहा है। 3% या 2% रुका हुआ है, जुलाई महीने के खत्म होने तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह के फजल से। ये भी एक बड़ी कामयाबी हमें मिली है। अब इतनी कड़ी धूप में भी रियासत के किसी कोने में कहीं भी पीने का पानी का कोई मसला नहीं है। और हमारे अकलियती बदबू के लिए, बहबूदी के लिए जो काम होना था, उससे पहले बहुत धीमा चल रहा था। आप लोग जानते हैं, हमने बजट बढ़ाया, कुछ कार्यक्रम भी बढ़ाया। सबसे बढ़कर मुझे खास तौर पर मुझे इस बात की खुशी है, मैं अभी उन बच्चियों से मिलकर आ रहा हूं जो हमारे टेम्बरी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में आलिशान तालीम हासिल कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल से मुकाबला करने का उनका हौसला, उनका सलाहियत बढ़ रहा है, इससे बहुत बेहद खुशी मुझे है। और अकलियती बहबूदी में कुछ काम हमने इजाफा किया है, लेकिन और काम करना चाहिए हम लोगों को। मैं आपको वायदा करता हूं, आपको तहे दिल से वायदा करता हूं कि आगे चल के और भी उन कामों में इजाफा करेंगे। हमारे पूरे माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ये मैं आपको तहे दिल से वायदा करता हूं। सबसे बड़ी बात, तेलंगाना रियासत जो हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है, हमारा तारीख रहा इस हैदराबाद शहर का, इस हैदराबाद स्टेट का, तेलंगाना रियासत का, कि हम सारे दुनिया के लिए मिसाल है। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज महात्मा गांधी के है, कि तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा, सारा दुनिया के लिए मिसाल है। और गांधी जी ने कहा था कि यहां से इन बातों को दूसरों को सीखना चाहिए, यह हमारा दर्जा है। गुज़िश्ता 5 सालों में आप देख रहे हैं, हर मजहब, हर कौम, हर जात, हर कोई खुश है। वो किसी भी ईद हो, किसी भी मौका हो, हर किसी को खुश रहने का तेलंगाना का सरकार ने कोशिश किया है। वो चाहे बोनालू पंडगा हो, हमारे रमजान हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, जो भी हो, हर रियासत के, हर मजहब के लोगों का अच्छा इज्जत किया जा रहा है, और लोग इस बात से खुश भी है। हमारा तहजीब और तमद्दुन बरकरार है, इंशाअल्लाह हम जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक बड़ी बात भी मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, आपाची की बड़ी मुसीबत थी, यानी कि इरिगेशन की बड़ी मुसीबत थी हमारे रियासत में। हमारे किसान खुदकुशी करने पे भी तुले हुए थे, लेकिन वो बंद हो गया है। अभी इसी महीने के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, 45 लाख एकड़ में पानी देने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने वाला है। इंशाअल्लाह वो बिल्कुल कामयाब रहेंगे, और हर तरफ तेलंगाना रियासत में अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फसल से, उनके कर्म से, तेलंगाना में हर तरफ चंद ही दिनों में हमें हरियाली नजर आएगी, खुशहाली नजर आएगी। हमारे किसान खुश रहेंगे, हमारे अवाम खुश रहेंगे, पूरे रियासत खुश रहेंगे। और अल्लाह ताला से इस मुबारक मौके पर इतना ही मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पूरे रियासत के तमाम अवाम को खुश रखे, अमन से रखे, शांति से रखे, प्यार मोहब्बत से रखे। फिर एक बार तमाम बुजुर्गों को, तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं रुख्सत लेता हूं। बेहद शुक्रिया अली जनाब मोहतरम के चंद्रशेखर राव साहब, वजीर आला साहब। अब गुजारिश की जाती है अली जनाब मोहतरम एके खान साहब से कि वो वजीर आला को एक यादगार पेश करें, मोमेंटो पेश करें। और ये मोमेंटो की खास बात यह है कि ये मोमेंटो जामे निजामिया में जो
तामीर किया गया है ऑडिटोरियम उसकी तस्वीर है। ये बड़ी यादगार मोमेंटो है। तीन साल कबल वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने जब जामे निजामिया का दौरा किया था, उस वक्त वजीर आला ने वादा किया था कि यहां पर एक यादगार एयर कंडीशन कुशादा और शानदार ऑडिटोरियम तामीर किया जाएगा और आज 15 करोड़ की लागत से ये ऑडिटोरियम तामीर हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द इस ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अमल में आएगा। अब वक्त करीब है, लिहाजा गुजारिश की जाती है मुफ्ती खलील अहमद साहब से कि वो दुआ करें। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव साहब का भी खैर मकदम है। माइक अभी बहुत देर है, दुआ जो है दुआ खत्म होते स्टार ना कर दें। नहीं, 8 मिनट है, 8 मिनट है, दुआ करिए। सल्लल्लाहु ताला मैं मक्का मस्जिद के मौलाना रिजवान कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलि वसल्लम। اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة ومقاصد من استوصانا بالدعاء। اللهم يا ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام। اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان। اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان। اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان بحرمة شهر القرآن بحرمة شهر رمضان। اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار। لا تدع لنا في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। फातिहा।
آپ تمام حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، نماز مغرب باجماعت جناب رضوان مولانا رضوان قریشی صاحب کی امامت میں ہوگی، اور اسٹیج کی دائیں طرف ایک نمازگاہ ہے اور دوسری اسٹیج کی بائیں طرف بھی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں پر مولانا صابر پاشا امامت کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ افطاری سے فارغ ہو چکے ہیں تو نماز گاہ کی طرف تشریف لائیں، جماعت ٹھہر رہی ہے، ابھی نماز ہونے والی ہے۔ مولانا رضوان قریشی صاحب مکہ مسجد کے امام صاحب امامت کریں گے، اور دوسری طرف جو جماعت ہوگی وہاں پر عالی جناب صابر پاشا صاحب کی امامت میں مغرب کی نماز با جماعت ہوگی۔
Thank you.